लेकिन रात्रि के समय यदि इस रास्ते में जाएंगे तो काफी डर लगेगा, भयानक डर लगेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी फिर से एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। देख सकते हैं अभी ड्राइव पर ड्राइव चला रहे हैं, मामा जी ड्राइव चला रहे हैं और अभी हम लोग देहाती एरिया से पास कर रहे हैं। मामा जी कौन से एरिया में अभी? अभी हम लोग हैं जो यहाँ पे एक किचका से निकले हैं, ये सोनमा से निकले हैं, सोनमा में ही स्थित है। अभी हम लोग सिंगिया की ओर जा रहे हैं। इस रास्ते से यदि जाते हैं तो सिंगिया और ये क्या बोले पीछे राजमानी के बीच ये जो रूट है, इस रूट से हम जाते हैं तो सिंगिया जाने की दूरी करीब 5 किलोमीटर दूरी कम हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग यह रास्ता देहाती एरिया है, शॉर्टकट एरिया अपनाए हैं और इस मार्ग से जाने से 5-6 किलोमीटर की दूरी कम हो जाते हैं। आप देखेंगे बच्चे लोग गुल्ली खेल रहे हैं, आप देखेंगे ये बिल्कुल देहात है, देखिए बिल्कुल देहात है। यहाँ पे धान की खेती भी हो रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल देहाती एरिया है। लेकिन देहात एरिया में घूमने में बहुत ही आनंद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का हवा बहुत ही सुंदर है, हरा भरा लगता है देखने में, सुहावन लग रहा है। आज फिलहाल देख सकते हैं सोनामा में है अभी, और तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और यहाँ का लोकल एरिया का लोकेशन दिखाते रहेंगे। आप किधर किधर जाएंगे, लेफ्ट या राइट? ये सिंगिया ही जाते नहीं है सिंगिया। तो गाइस जब फाइनली सिंगिया की और टर्न ले लिए हैं तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। देख सकते हैं आगे मटका पीपल का पेड़ है जो, और इस पीपल का पेड़ के पास एक खासियत है, देखिए यहाँ पे एक पत्थर है और यहाँ पे फूल भी चढ़ाया गया है, तो यहाँ पे लोग पूजा पाठ भी करते हैं। और आगे देखिए आगे का ये पूरा रास्ता फांका ही फांका नजर आ रहा है। चलिए चलते हैं, ड्राइव करते हैं स्पीड के लोकेशन में, देख सकते हैं लोकेशन आप लोग देखते रहिएगा, सॉरी स्पीड देखते रहिएगा कितना स्पीड वहाँ लेके चलते हैं। लेकिन रात्रि के समय यदि इस रास्ते में जाएंगे तो काफी डर लगेगा, भयानक डर लगेगा। देखिए सिंगिया, ये पूरा सिंगिया 4 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरा रास्ता फांका है, रात के समय जाने में काफी डर लगेगा, डरावना सा, क्योंकि इस बीच में कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग का बेस्ट तो कैमरा है, बाइक का शीशा में दिखाई देता होगा और आप लोग आगे देखते ही होंगे। तो देख सकते हैं उधर ढमसू एगो लगल है और उधर देखिए एगो बाबा जी और भैंसी चला रहे हैं, और देख सकते हैं ढमसू, ढमसूर बोलते हैं, ढमसूर ढमसूर, देखिए जो रोड बनाने में काफी मददगार साबित होते हैं, यही तो रोड को मजबूत करता है, ये नहीं रहेगा तो रोड मजबूत ही नहीं होगा। एक भाई को देखिए यहाँ पे घास छील रहा है, देखिए देखिए, हाँ देखिए, और वहाँ पे देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं और कोई जा रहे हैं। और फाइनली दोस्तों अभी हम लोग टारा गजवा के पास पहुँच चुके हैं, आगे के दृश्य देखेंगे। ये मातागण है जो जा रहे हैं घास काटने के लिए, बच्चे लोग यहाँ पे खड़े हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग लगभग गदवा गांव के पास पहुंचने वाले ही हैं। फाइनली हमको उतना गांव का पता नहीं है और मामा जी को पता है, तो मामा जी का नाम साउंड से आप सुनते होंगे गांव का नाम। वैसे गाइस क्या पता आपका हम लोग का वॉइस आप तक जा रही है कि नहीं जा रही है, हम लोग तो ऐसे ऐसे भचर भचर बोल रहे हैं, देख सकते हैं घर का लोकेशन कैसे है, 3 किलोमीटर। एक बच्चा है जो आराम से आनंद पूर्वक आ रहा है, इस बच्चा का नाम क्या है नहीं जान पाएंगे, हम लोग पूछे नहीं है। और इस वक्त हम लोग है
बजवा गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहां पे मुझे सलो सलो जाना होगा क्योंकि गांव में घनी आबादी है, बच्चे लोग रोड पे खेल रहे हैं। यहां पे देख सकते हैं महीस है, बकरी है, यहां पे कुछ रोड भी खराब है, यहां पे देखिए टेम्पू लगा हुआ है। क्योंकि ये बिल्कुल देहाती इलाका है, यहां पे अक्सर लोग रोड पे ही है ना अपना बहुत सारे जीवन काटते हैं, जीवन व्यतीत कष्ट करके कष्ट करके, क्योंकि इन लोग के पास दिक्कत होता है, देहाती है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आया है, ये जो एक मोड़ है, ये मोड़ का आपको कर्पूरी ढगजारी भी जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग उत्कर्मित मध्य विद्यालय टारा, उत्कर्मित मध्य विद्यालय टारा के पास है। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे लोग इस ग्राउंड में खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आगे हम आपको वीडियो फिर दिखाएंगे। देखिए बकरी चल रहा है, लेकिन रोड का बदबू बहुत गंदगी कर रहा है इधर। बात है लोहिया, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, लोहिया स्वच्छ अभियान, लोहिया स्वच्छ अभियान नहीं दिए हुए हैं। इधर देखिए कुछ ताश चल रहा है बुजुर्ग लोगों की तरफ से। देखिए बात है बैठारी है बुजुर्ग सब, तो क्या करेगा, बच्चे लोग हैं जो रोड पे घूम रहे हैं। इससे आप लोग लमसम वीडियो 6 मिनट हो ही गए, तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, देख सकते हैं। लगभग सिंगिया के दूरी 2 किलोमीटर बचा ही होगा। और देखिए देखिए बच्चे लोग आनंद पूर्वक रोड पे ही घूम रहे हैं। अच्छा गाइस फाइनली आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में रहिए, हम लोग अपना तब से तक हम लोग पानी देखिए, पानी में कैसे पार करेंगे बाइक को, बाइक पे देखिए आगे पास यही टारा गांव है जहां देखिए रोड पे पानी भी लगा हुआ है। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी ठेकेदार साहब है, जो इंजीनियर था वो सही से प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया, जिसके वजह से यहाँ पे रोड सिंगिया 2 किलोमीटर आ गया। हाँ सड़क नीचा था जिसके वजह से यहाँ पे पानी लगा हुआ था। और देखिए हम लोग सारा गांव बीच गांव में आ चुके हैं। या मुनी लाल निवास के घर, सॉरी बुनी लाल है, बुनी लाल जी है। यहाँ से लगभग 1500 मीटर की दूरी पे सिंगिया है। और अभी हम लोग सिंगिया जा रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। देख सकते हैं हम लोग अब तारा गांव में एक जो मंदिर है उस मंदिर के पास पहुँच गए हैं। आज से मैं आग्रह है कि थोड़ा इस मंदिर का दृश्य दिखा देंगे। और देखिए यह मंदिर जो है बाबा बजरंगबली की है, आप देखिए इस मंदिर को। हाँ इधर देखिए रास्ता खींची थी, आप देख सकते हैं एक छोटा छोटा बच्चा साइकिल चलाकर आनंदित महसूस कर रहे हैं। यह टारा गांव का लगभग एंडिंग होने वाला है, और ये जब गांव एंडिंग होगा यानी समाप्त होगा तो थोड़ा दूर फाका रास्ता। इधर देखिए भोज भात बन रहा, इधर देखिए गाड़ी वाला अथी चेन लगाने वाला गाड़ी भैया जा रहे हैं। तो गाइज तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और लोकेशन देखते रहिएगा, कैसा हालात है सड़क का, कैसा गांव देहात है, ठीक है। देखिए जर्किंग लग रहा है, मोबाइल जोर से पकड़ने रही है सरकार। तो गाइस मोबाइल गिर भी जाए तो बट ब्लॉग चलते ही रहेगा, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोग वीडियो देखा कीजिए, मोबाइल वीडियो देखा कीजिए और मोबाइल आप लोग व्यू कीजिए। बच्ची है जो व्यूज घूम रही है, व्यूज आप लोग देते रहिए और न्यू फोन तो आता ही रहेगा, तो आप लोग वीडियो देखिए सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं ऑटो टेम्पो टोटो जा रहा है, ऑटो टोटो टोटो। और देखिए लोकेशन, रोड का लोकेशन, अरे भाई। और देखिए धियापुता सब दौड़ रहा है, देखिए माता रानी सब बैठी हुई है। इधर देखिए लोकेशन, इधर देखिए साइकिल से जो आ रहे हैं, इधर देखिए हम लोग। हाँ कर रहे हैं। हाँ
अच्छा सिंगिया के इतिहास के बारे में आपको बता दूं, जिस समय अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे तो सिंगिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे अंग्रेज को काल कोठरी में बंद कर करके फूटा गया था। अच्छा, खूब पिटाई किया गया था और कोठरी में आग भी लगा दिया गया था। अच्छा, जिसके वजह से सिंगिया में जो भी लोग आते हैं, अच्छा मतलब सच्चे लोग कर आते हैं, खराब भी है, खराब उसके लिए है जो खराब करते हैं, जो नुकसान करते हैं उसके लिए खराब है, जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे सम्मान सम्मान भी देते हैं। अच्छा, तो हम लोग सिंगिया गांव प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे नाच सफर है जहाँ से सफाई होता है और यहाँ पे लोग घूम रहा है। इधर देखिए कचरा, देखिए कचरा है, इसीलिए कभी गाँव को बाहर सिटी से बाहर कर दिया कचरा को, बहुत बदबू दे रहा है। यहाँ का एक खासियत है, देखो भाई नाला कितना सुंदर है, रोड के बराबर है, नाला बहुत यहाँ अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे इंजीनियर जो आया था काम करने के लिए वो अच्छे थे, नाला बहुत अच्छे बना है, देख सकते हैं देहात एरिया का लोकेशन। अब हमको नहीं पता है देहात है, बड़ा विकसित विकास विकसित गांव है या नहीं है, क्या पता, बट वैसे सिंगिया तो नाम ही जानी है, बहुत कोई जानते हैं सिंगिया। देखिए उधर, देखिए सिलाई मशीन चल रहा है, इधर दुकान पे लगा है दोस्तों, जो है सिंगिया थाना है, प्रखंड है, ब्लॉक है, भाया है, ये सब सिंगिया है। अब लेकिन यहाँ का आप दृश्य देखेंगे, यहाँ पे रोड पे पानी लगा हुआ है, खराब है रोड, देख सकते हैं रोड का हालात, स्थिति देखिए रोड का, पानी जर्जर है, थोड़ा नाला बनवा दीजिए। अरे बाप, देख लीजिए, देखिए ना हम लोग कितना पानी से बचे, बाल बाल बच गए, नहीं तो बीच में पानी में पड़ जाते हैं। देखिए लोकेशन अब अच्छा आने लगा और भाई अब ये जो सड़क है यही है ना, बथान चौक सिंगिया, जहाँ पे बजरंग बली जी का मंदिर है, देखिए दिखाएंगे। और फाइनली दोस्तों हम लोग सिंगिया बाजार आ चुके हैं, तो गाइस फाइनली देख सकते हैं पिकअप लगे हुए हैं, वो टर्न ले रहे हैं और हमको आगे बढ़ने के लिए बोल दे रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस फाइनली सिंगिया आ गए हैं, सिंगिया बथान चौक, हाँ सिंगिया बथान चौक। इधर देखिए मंदिर है, इधर मंदिर है, इधर देखिए बाजार है, तो आप लोग देख सकते हैं सिंगिया बाजार का क्या लुक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, इधर देखिए सुभाष चंद्र बोस का, एक बारे में इतिहास बताऊँ, सुभाष चंद्र जी का इतिहास बताऊँ, सुभाष चंद्र बोस जी का देखिए, जो आप लोग जानते होंगे इनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं तो कमेंट में लिखिए क्या जानते हैं। और अभी कुछ अलग रूट में आ चुके हैं, सिंगिया रूट जो है यह थाना पे जाता है, हाँ थाना की ओर, बट आप लोग कमेंट में पूछिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बड़ी मस्जिद भी है, तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग एक कैंडिडेट के पास जा रहे हैं जो नगर निगम चुनाव में, देखिए यही है ना पुलिस थाना सिंगिया, देखिए यही है पुलिस थाना सिंगिया, अभी थोड़ा रुकेंगे और बात करते हैं, उसका घर कौन सा है, कॉल करते हैं।